नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मैपिंग की सीरीज के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और अब एक एक महाद्वीप को हम इसी तरीके से अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप यानी एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। यानी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो पृथ्वी 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में विभाजित है। इस चित्र में आपको महासागर और कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे होंगे। ये एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं और इसके साथ साथ 5 महासागर हैं, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी महासागर है आपका, क्या नाम है उसका, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। और जो 5वां महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर। तो इस चित्र के माध्यम से आपको महासागर और महाद्वीप की लोकेशन भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो एशिया है यानी जो एशिया महाद्वीप है हमारा, वो क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, किन किन आधारों पर, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और ये पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध हमने आपको बताए हैं कि अगर ये पृथ्वी मान लेते हैं और ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसके उत्तर वाला भाग यानी ये वाला भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला भाग यानी साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध आपका कहलाता है। तो एशिया महाद्वीप है आपका वो उत्तरी गोलार्ध में है यानी इसमें है, ठीक है। एशिया और यूरोप दोनों अलग अलग महाद्वीप नहीं हैं, बल्कि इनका विभाजन कर दिया गया है। यानी कि एक मान लीजिए कोई बड़ा स्थलखंड हो, उसको 2 महाद्वीपों में विभाजित कर दिया जाए, पूर्वी भाग को अलग महाद्वीप और पश्चिमी भाग को अलग महाद्वीप कहा जाए, ठीक है। तो इन दोनों महाद्वीपों को संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं, यानी यूरोप यानी एशिया और यूरोप मतलब यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया स्पेन से लेकर एशिया के पूर्वी भाग रूस तक, कहाँ से कहाँ तक, स्पेन से लेकर के एशिया के पूर्वी भाग रूस तक एक ही भूखंड है, किंतु बीच में एक काल्पनिक रेखा का निर्धारण कर दिया गया है, जिसके पूर्वी भाग में एशिया और पश्चिमी भाग में यूरोप महाद्वीप का निर्धारण किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा स्थलखंड है आपका और ये आपकी एक काल्पनिक रेखा है, इसके पूर्वी भाग को हम एशिया मान लेते हैं और इसके पश्चिमी भाग को यूरोप मान लेते हैं, ठीक है। तो यही किया गया है, जबकि स्थलखंड एक ही है,
इसलिए दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, यूरेशिया। ठीक है, तो कौन कौन से काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, यानी विभाजक किसे माना गया इन दोनों के मध्य, तो यूराल पर्वत श्रेणी को माना गया है, कैस्पियन सागर को माना गया है, काला सागर को माना गया है और भूमध्य सागर को माना गया है। ठीक है, तक एक रेखा निर्धारित की गई है, इसी रेखा के द्वारा यूरोप और एशिया महाद्वीप का विभाजन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एशिया और यूरोप के मध्य विभाजक की भूमिका कौन निभाते हैं, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये निर्धारित करते हैं। ठीक है, महाद्वीपों का विस्तार बड़े से छोटे के क्रम में इस प्रकार है, यानी कि कौन, यानी क्षेत्रफल के आधार पे यहाँ पे महाद्वीपों का क्रम बताया गया है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका, यानी कि हम अगर कहें तो पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तीसरे पर, दक्षिणी अमेरिका चौथे पर, अंटार्कटिका पाँचवें पर, यूरोप छठवें पर और ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पर। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यूरोप और एशिया के मध्य जो काल्पनिक रेखा है उसका निर्धारण जो किया गया है इस चित्र के माध्यम से, वो आपको दिखाया गया है। ये आपका यूरोप महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। तो इनके मध्य जो विभाजक की भूमिका निभाते हैं वो आपका है यूराल माउंटेन्स। ठीक है, इसके बाद ये है आपका कैस्पियन सागर, ये है आपका ब्लैक सी यानी काला सागर, और ये है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये प्राकृतिक तौर से ये पांच बड़े प्राकृतिक स्थल एशिया और यूरोप के मध्य विभाजक की भूमिका निभाते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत तीन प्रमुख देश आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। आपको दोस्तों इन देशों की राजधानियाँ कमेंट बॉक्स में बतानी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, कनाडा की, मैक्सिको की क्या है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश रूस, चाइना और भारत हैं। रूस को भी आपको बताना है कि राजधानी क्या है, चाइना की राजधानी क्या है। भारत की तो आपको पता ही है, नई दिल्ली है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पे एशिया में रूस सबसे बड़ा देश है, विश्व में भी रूस सबसे बड़ा देश ही है क्षेत्रफल में। ठीक है, एशिया में चाइना दूसरा बड़ा देश है, भारत तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में एशिया के अंतर्गत, लेकिन विश्व में देखा जाए तो ये सातवें नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर रूस का जो विस्तार है ना केवल एशिया महाद्वीप तक है, बल्कि यह यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप पर भी विस्तृत है। यानी रूस का विस्तार दो महाद्वीपों में है। ठीक है, इसीलिए इसे द्वीपीय देश कहा जाता है, क्योंकि इसका विस्तार दो महाद्वीपों में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका तीन प्रमुख देश हैं, इनकी भी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश जो क्षेत्र है वो मरुस्थली है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 80% जो आबादी है इसके पूर्वी तट पर रहती है, बसी हुई है। सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न आदि प्रमुख शहर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं। दुनिया की अधिकांश जो प्राचीन मानव सभ्यताएं
सभ्यताओं का जो विकास है वो इसी महाद्वीप पर हुआ है। उदाहरण के लिए सिंधु नदी घाटी के अंतर्गत विकसित हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, वर्तमान इराक, इराक की राजधानी भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। वर्तमान इराक को ही प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। सुमेरियन सभ्यता का जो विकास है वो दजला फरात नदियों की घाटियों में हुआ था, यानी सुमेरियन की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो एक ही है, और ये दोनों जो हैं वो इराक में हैं, यानी इराक में जो सभ्यता का जन्म हुआ उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता कहा गया, जो कि दजला फरात नदियों के नदी घाटी के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कुछ सभ्यताओं को दिखाया गया है, यानी एयरली स्टेट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। यहाँ पे आपको चाइना की सभ्यता दिखाई दे रही है, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता आपकी यहीं पे दिखाई दे रही है जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में थी। ये है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो आपको कलर से दिखाई दे रही है ये आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, जो कि दजला और फरात नदियों के मध्य थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, विषुवत रेखा तीन महाद्वीपों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के केवल दो देशों मालदीव और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, और हमने आपको दोस्तों भूमध्य रेखा के बारे में बताया है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उन देशों के नाम भी बताने हैं कि किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप के देश सिंगापुर की राजधानी जो कि सिंगापुर ही है, यानी कि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। ठीक है, तो सिंगापुर ही है और यह विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि विषुवत रेखा सिंगापुर से नहीं गुजरती, लेकिन राजधानी तब भी उसके सबसे पास में पड़ती है। ठीक है, यद्यपि कि विषुवत रेखा सिंगापुर से होकर नहीं गुजरती, किंतु मानचित्र में मालदीव की राजधानी माले और इंडोनेशिया की राजधानी नुसानतारा विषुवत रेखा से सिंगापुर की अपेक्षा अधिक दूरी पर हैं। ठीक है, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो मालदीव और इंडोनेशिया हैं उनकी राजधानी दूर हैं विषुवत रेखा से सिंगापुर की राजधानी की अपेक्षा। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेशी और न्यूगिनी है, यानी इंडोनेशिया के ये प्रमुख द्वीप हैं। इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया जो है वो लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इसके केवल 6,000 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो पर
केवल इंडोनेशिया का ही अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर तीन देशों का, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का संयुक्त रूप से अधिकार है। यानी जो बोर्नियो द्वीप है वह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, यानी इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप ब्रुनेई है, लेकिन उस पर केवल इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है, उस पर मलेशिया का भी अधिकार है और ब्रुनेई का भी अधिकार है। यानी तीन देशों का अधिकार है ब्रुनेई पर, सॉरी बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप के पूर्व में सुलावेशी द्वीप समूह है, द्वीप है। इंडोनेशिया की का जो सबसे पूर्वी द्वीप है वह न्यू गिनी है, न्यू गिनिया कहलाता है। न्यू गिनिया द्वीप पर दो देशों का अधिकार है, न्यू गिनिया द्वीप के पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्र पर इंडोनेशिया का अधिकार है, तथा न्यू गिनिया द्वीप के पश्चिमी क्षेत्र पर पापुआ न्यू गिनी बसा हुआ है। यानी न्यू गिनिया द्वीप पर दो देश हैं, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों यहाँ पर इस चित्र में आपको इंडोनेशिया के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। ये आपका बोर्नियो द्वीप है, इस पर तीन देश हैं, ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका मलेशिया है और ये आपका ब्रुनेई है। क्या नाम है इसका? ब्रुनेई, ठीक है। और ये आपका न्यू गिनी द्वीप है, जिस पर दो देश हैं, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। ये आपका सुलावेशी द्वीप है, सुलावेशी द्वीप समूह है, सुलावेशी द्वीप है, ठीक है। ये सुमात्रा है आपका और ये आपका जकार्ता है। ये प्रमुख द्वीप हैं इंडोनेशिया के, सुमात्रा, जावा, ब्रुनेई या बोर्नियो, सुलावेशी और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, इसके बाद कनाडा है, रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो देश हैं उनका क्रम है ये, सबसे बड़ा रूस पहले नंबर पर, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें पर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया छठवें नंबर पर और भारत आपका सातवें नंबर पर है, ठीक है। इन सात बड़े देशों में से तीन देश, रूस, चीन और भारत, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का जो सबसे पूर्वी देश है वो आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। तथा सबसे पश्चिमी देश जो देश है वो आपका तुर्की है। एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश रूस है और सबसे दक्षिणी देश भी आपका इंडोनेशिया है। यानी कि सबसे पूर्वी देश भी इंडोनेशिया है और सबसे दक्षिणी देश भी इंडोनेशिया है। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम एशिया को ऐसे चार हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें, तो ईस्ट वाला जो पार्ट है ये भी आपका इंडोनेशिया है, जो साउथ वाला पार्ट है आपका ये भी आपका इंडोनेशिया है, यानी कि पूर्वी देश भी इंडोनेशिया और दक्षिणी देश भी इंडोनेशिया। जबकि पश्चिमी देश की बात करेंगे तो तुर्की है, और अगर नॉर्थ यानी उत्तरी देश की बात करेंगे तो वो आपका कौन सा है? रूस है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। भूमध्य सागर के मध्य में स्थित साइप्रस द्वीप भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोशिया है, और एशिया महाद्वीप के देशों में सबसे पश्चिमी राजधानी निकोशिया है। ये दोस्तों डिफरेंस आपको याद रखना है।
अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पश्चिमी देश कौन सा है तो आपका तुर्की है, लेकिन सबसे पश्चिमी अगर आपसे राजधानी पूछता है एशिया की तो वो निकोसिया है, और ये निकोसिया किस देश की राजधानी है तो वो साइप्रस की है। ठीक है, इस चित्र में आप दोस्तों देख पाएंगे कि जो सबसे पश्चिमी देश है वो तुर्की है। ठीक है, तुर्की आपका यहाँ तक है, लेकिन जो आपका सबसे पश्चिमी द्वीप देश जो राजधानी है वो आपका साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भूमध्य सागर में कौन सा एशिया महाद्वीप का देश आता है, तो वो आपका साइप्रस ही आता है। इसके अलावा भी आप देशों की लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये आपका सऊदी अरब है, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, इसके अलावा यहाँ पे इजराइल है, ये लेबनान है, सीरिया, तुर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया। ठीक है दोस्तों, अजरबैजान के बारे में अभी हमने तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर बताया था आपको कि जो 29वें नंबर की UNFCCC की बैठक होने वाली है, यानी कॉप की बैठक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक, वो यहीं पे होने वाली है अजरबैजान की राजधानी बाकू में। कहाँ पर? बाकू में होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के जो सबसे बड़े देश चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि चाइना भारत से पीछे हो चुका है, तो भारत पहले नंबर पर आ चुका है देशों के मामले में। विश्व में चार सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से तीन देश क्रमशः चाइना, भारत और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है, यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह हमने अभी ऊपर भी बताया आपको। ग्रीनलैंड पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, यहाँ निवास करने वाली जनजाति एस्किमो है, यानी ग्रीनलैंड में जो जनजाति निवास करती है उसे एस्किमो कहते हैं, और एस्किमो जिस घर में रहते हैं उसे इग्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, एस्किमो जनजाति बर्फ़ का घर बनाती है जिसे इग्लू कहते हैं। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही एक भाग है। ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य स्थित सागर को लेब्राडोर सागर कहते हैं, अथवा इसे डेविस की खाड़ी भी कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, किंतु ग्रीनलैंड पर ना तो अमेरिका का अधिकार है और ना ही कनाडा का अधिकार है, बल्कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का राजनैतिक अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ग्रीनलैंड है वह भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनैतिक रूप से जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में ब्रिटिश द्वीप पुंज है। ब्रिटिश द्वीपीय पुंज के पूर्व में एक देश है डेनमार्क स्थित है। डेनमार्क का ही राजनैतिक अधिकार ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड के पूर्व में एक अन्य द्वीप है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेग्जाविक। दुनिया के दो देश रूस और चीन सर्वाधिक देशों से, यानी 14 देशों से सीमा बनाते हैं।
यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि विश्व के कौन से ऐसे दो देश हैं जो सबसे ज़्यादा देशों से सीमा बनाते हैं, तो वो दो देश हैं चाइना यानी रूस और चाइना। ठीक है, तो रूस के साथ जो 14 देश सीमा बनाते हैं वो निम्नलिखित हैं। आपको दोस्तों इनको एटलस पर भी देखते हुए चलना चाहिए। तो रूस के साथ जो सीमा बनाने वाले देश हैं वो आपका है नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, लिथुआनिया, पोलैंड और उत्तर कोरिया। ये 14 देश हैं जो रूस के साथ सीमा बनाते हैं। चाइना के साथ सीमा बनाने वाले जो 14 देश हैं वो निम्नलिखित हैं, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये 14 देश हैं जो कि चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो एशिया महाद्वीप आज हम पूरा कवर नहीं कर सकते, तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप से संबंधित पार्ट 1 है। इसके अगले वाले वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के बारे में पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपसे बात की एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, जिसमें एशिया महाद्वीप से संबंधित काफ़ी जानकारी आपको दी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।